वो आते ही होंगे, वो जैसे ही आ जाएंगे मैं आती हूँ तुम्हें लेने के लिए। ठीक है चलो बेटा बाय। ओके एक्सक्यूज मी, यहाँ पर कौन है? एक्सक्यूज मी, मेरी बेटी रिया का एक्सीडेंट हुआ था, मैं उनका फादर हूँ। किसी लेडी ने मुझे फोन करके इन्फॉर्म किया था। कहाँ? मिस्टर अभिषेक प्रेम मेहरा जी, वो आपकी ही बेटी है जी, वो रूम नंबर 501 में है। मैंने ही आपको फोन किया था, मैं ही उसे यहाँ लेकर आई। थैंक यू सो मच, मैं ही उनका फादर हूँ। एक्सक्यूज मी, आप उस पेशेंट के साथ है ना? जी जी। रिया? Yes. जी मैं उनका फादर हूँ। कैसी है वो? She's fine ना? Nothing to worry. She is absolutely fine. Oh, thank God. एक्सीडेंट केस है रिया, रूम नंबर 501। एक माइनर एक्सीडेंट था, कोई मेजर इंजरीज नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। रिया अच्छा। सर आपकी बेटी को ये वुमन यहाँ पे लेके आई है, मैंने इनको फॉर्म भरने के लिए कहा था लेकिन ये उनके बारे में नहीं जानते हैं। अब आप आ गए हैं तो प्लीज फॉर्म भर दीजिए। जी बताया था इन्होंने। थैंक यू, आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली मुझसे ही वो एक्सीडेंट, आपकी बेटी अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गई। ट्रस्ट मी, मेरी कोई गलती नहीं। इट्स ओके मैडम, आप मेरी बेटी को यहाँ तक ले आई, उससे बढ़कर क्या हो सकता है। शुक्रिया। अभी वो ठीक है तो क्या मैं जा सकती हूँ? मेरा बेटा डे केयर में है और मुझे उसको पिक करना है। ऑफ कोर्स मैम, आप चाहिए ना। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं होगा, रोना नहीं, तू छेद बच्चा ना मेरा। अरेस्ट ना करने की वजह बता सकती हैं आप? मेरी बेटी किसी की मदद कर रही थी, किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी। किसकी? रणबीर और उसकी फैमिली को। माया की फैमिली जबरदस्ती रणबीर और माया की शादी करवा रही है। इन लोगों को डराया गया है, धमकाया गया है। वाह, बेटी को राष्ट्रीय पुरस्कार, माँ को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार। आरोपी को मासूम बना दिया और मासूम को आरोपी। वाह क्या कलाकारी है। कौन मासूम है कौन आरोपी ये तय करने का हक आपको किसने दे दिया? मेरी बेटी एक मासूम इंसान को बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए वो गलत नहीं है। और गलत तो ये लोग हैं। कल रात हमारे घर भी आए थे और हमें धमकाया, कहा कि शादी में आएंगे ना तो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। एक और कलाकार, पूरा का पूरा खानदान ही नौटंकी बाज है भाई। एक बात बताइए, अगर हमने आपको धमकी दी थी तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? बोलिए, अगर हम गलत होते तो हम पुलिस के पास क्यों जाते? बोलिए, आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था ना पुलिस को कि हमने आपको धमकाया है। इंस्पेक्टर साहब, हम MLA हैं, हमारी इज्जत है, सड़क छाप गुंडे नहीं है जो हम ऐसी हरकत करेंगे। खुद कसूरवार होकर खुद ही पुलिस को बुलाना, ये आई एम सॉरी लेकिन सड़क छाप मुजरिमों की ही आदत होती है। चलिए मान लिया कि हम गुनहगार, लेकिन एक बात बताइए मैडम, आपको लगता है कि हमें शौक है कि हम बैल को बोलेंगे कि आ बैल मुझे मार? भाई अगर हम आपको धमका रहे थे तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था ना कि हम आपको तंग कर रहे हैं। क्योंकि हमें धमकी दी गई थी, माया की माँ ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने इस शादी में कोई भी रुकावट पैदा की, अगर हमने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की तो वो रणबीर के साथ साथ हमारे हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर देंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम डर गए और हमने कुछ नहीं कहा। छोटे, एक और कहानीकार, क्या हुआ, हंसी नहीं आई इस बार? सही कह रहे हैं भाई साहब आप, एक्टर राइटर सब हैं यहाँ पर। इंस्पेक्टर आपको प्रूफ चाहिए ना, ये देखिए मेरे कलाई पे जो निशान है ना वो रस्सी के निशान है, जो कि प्राची ने किया है। इसने मुझे बांध के रखा था और आपको पता है मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम ही यही होती है। और ये रणबीर से प्यार नहीं करती, रणबीर के पैसों से प्यार करती है। माया बकवास बंद करो अपनी,
बकवास नहीं है मैडम, ये फैक्ट बता रही है। ऐसे निशान तब बनते हैं किसी को कुछ देर के लिए अगर बांध के रख दिया जाता है, और ये लड़की सही बोल रही है, इसे बांध कर कहीं छुपा दिया गया था। शुक्र है सारा इल्जाम प्राची पर आ रहा है, मदन और आलिया सेफ है। प्राची को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? कुछ गलत नहीं किया है फिर भी? अगर आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया तो लीगल फॉर्मेलिटीज कीजिए, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने कुछ नहीं किया है। प्रूफ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते मैडम, आप हमारे काम में इंटरफियर मत कीजिए। ले चलो इन्हें। प्राची कहीं नहीं जाएगी। तो माँ बेटी दोनों को ले चलूं? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे। मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी देर यहाँ पे रुक जाइए, हमारी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद इन दोनों को ले जाइए। क्या है कि रणबीर जो है वो मेरी बेटी से शादी करना चाह रहा है, लेकिन ये जो लड़की प्राची है ना, ये नहीं चाह रही है कि रणबीर की शादी मेरी बेटी के साथ हो। तो अगर आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अब तक आप सब ये सुनते आ रहे हैं ना कि रणबीर मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अब सच सुन लीजिए। सच ये है कि माया भी रणबीर से शादी नहीं करना चाहती। ए लड़की, बहुत हो गया तेरा, कुछ भी बोले जा रही है। सिर्फ बोल नहीं रही हूं मैं, प्रूफ भी कर सकती हूँ। क्या प्रूफ है तेरे पास? माया का बॉयफ्रेंड राहुल। सरिता आंटी को शाहना का मैसेज आया, अब हमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अब जो भी बोलना है ना, माया का बॉयफ्रेंड राहुल बोलेगा। आओ राहुल। ये राहुल है। राहुल सबको बता दो, अपने और माया के बारे में सबको सच बता दो। कौन सा सच? मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं बताती हूँ प्राची क्या बोल रही है। What? बुजी, मैंने मदन को अभी तक फोन नहीं किया है, पर आई एम श्योर यही हुआ होगा। बुजी, लेकिन आपने उसे अच्छी तरह से समझाया तो होगा ना? आई एम श्योर समझाया था, पर जब उसने माया को किडनैप किया, उसने तुम्हें दूसरे रूम में रेडी होता हुआ देख कंफ्यूज हो गया होगा। उसे मैंने बताया भी नहीं था कि तुम दूसरी दुल्हन बनने वाली हो, बताया होता तो शायद से वो तुम्हें किडनैप नहीं करता। That's a big blunder, बुजी। blunder तो है, क्योंकि मैं अब तक सोच रही थी कि वो तुम नहीं, उसने प्राची को किडनैप किया है। बुजी, प्राची को किडनैप करना तो प्लान में था ही नहीं। नहीं था रिया, पर जब मैंने वहां साना को सरदार की गेटअप में देखा तो मैं समझ गई कि साना और प्राची का बहुत बड़ा गेम प्लान है। प्राची रणबीर से शादी करना चाहती थी, तो मुझे लगा वो वहां दुल्हन की गेटअप में होगी और उसने प्राची को किडनैप किया होगा। तुम्हारे बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। बुजी, आप मेरा फोटोग्राफ दे देती मदन को, कुछ बस वही तो एक गलती हो गई। वन सेकेंड, अगर मैं नहीं थी वहाँ पे और माया भी नहीं थी मंडप में, तो किसी ने तो दुल्हन के बारे में कुछ पूछा होगा ना, माया के बड़े पापा या somebody must have said something, right? कैसे पूछते? प्राची बैठी हुई थी ना रणबीर के साथ मंडप में, घूंघट लगा के। What? प्राची रणबीर के साथ मंडप में बैठी थी? रणबीर की शादी नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि माया वापस आ गई थी। मैं रिया से मिल सकता हूँ? Yes. मिस्टर मेरा, मैं आपको एक बात बताना भूल गई। जी मैम। अगर पुलिस स्टेशन में मेरी जरूरत पड़े तो आप रिसेप्शन से मेरा नंबर लेकर मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। रिलैक्स मैम, मैं कोई कंप्लेन नहीं करवाने वाला। एक्चुअली आपको कंप्लेन करनी चाहिए। मतलब? क्योंकि एक्सीडेंट के पहले रिया के पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। गुंडे? हाँ, एक्चुअली इसीलिए आपकी बेटी का ध्यान रोड पे नहीं था और उसका एक्सीडेंट हो गया। आपने देखा उन लोगों को? नहीं सर, मैं तो नहीं देख पाई, लेकिन मुझे ये बातें उस आदमी ने बताई जिसका फोन रिया ने यूज किया था। शिट। मुझे शादी हुई नहीं, लेकिन कभी भी हो सकती है। आफ्टर ऑल रणबीर और प्राची एक साथ मंडप में बैठे। आई डोंट थिंक सो रिया।
कैसे हो? I'm fine, Dad. I'm absolutely fine. Shit. I know. कौन से बोलो? कौन आदमी, Dad? तो तुम आप पीछा कर रहे थे? मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा था, Dad. आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? प्रिया, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, alright? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. इस टाइम हूँ ही बॉस और दे और पुलिस में उनका कंप्लेन लॉज करना बहुत जरूरी है. टेल मी डैड, मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा था. आप क्या बोल रहे हैं? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वही लोग जिसकी वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ. हाँ तो आप ऐसे पूछिए ना कि एक्सीडेंट कैसे हुआ. वो डैड, एक्चुअली मैं आपका कॉल ट्राई कर रही थी, फोन पे बिजी हो गई थी तो कार को आते हुए नहीं देखा और एक्सीडेंट हो गया. तो लेडी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आई थी, वो कह रही थी कि किसी आदमी ने कुछ गुंडों को तुम्हारा पीछा करते हुए देखा. मास्किंग समथिंग. डैड, एक्चुअली वो जिसके फोन से आपका कॉल ट्राई कर रही थी ना, उसको वो अर्जेंसी दिखानी थी ना, उसे बताना था कि बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है. तो मैंने उससे कह दिया कि गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं. शायद इसलिए वो लेडी को लगा होगा कि मेरे पीछे कोई, हरासन क्यों किया? दरअसल अरे सीधे सीधे मांग लेती फोन, मना थोड़ी ना करता हूँ. You've got to be mature. एक्सीडेंट हुआ है उसका, अभी होश में आई है और आप इसे डांट रहे हैं. डांट नहीं रहा आलिया, मैं वैसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. I really care for her. मुझे चिंता होती है, that's why I just get upset. ओए, relax. रॉकर लगेगा तुम, हाँ? बंडाना बांध. प्राची मेरी बेटी नहीं, मेरा गुरूर है. बहुत भरोसा करती हूँ मैं इस पे. ये झूठ नहीं बोलती. अगर ये बोल रही है कि राहुल और माया एक दूसरे से प्यार करते हैं तो करते हैं. तुमने एक बार नहीं सोचा कि ये माया तुम्हें छोड़ के रणबीर से शादी क्यों कर रही है? पैसों के लिए. माया मैडम का बहुत अच्छा प्लान था कि मुझे डिवोर्स दे के जो भी पैसा आएगा उस पैसे से अपनी जिंदगी आगे जीने वाली थी. तुम्हें ऐसा लगता है? लगता नहीं है, मुझे ऐसा पता है, ऐसा ही है. और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वाकई रणबीर से शादी करके रणबीर को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाएगी. आई एम सो सॉरी, लेकिन ऐसा होगा नहीं. माया कभी रणबीर को डिवोर्स नहीं देगी. और इसकी वजह भी है, रणबीर बहुत अच्छा लड़का है, अच्छे खानदान से है. कोई भी लड़की ऐसे लड़के को छोड़ना नहीं चाहेगी, और खासकर माया जो कि शादी इस वजह से कर रही है ताकि उसकी जिंदगी आराम से कट जाए. रणबीर के साथ इसकी जिंदगी सॉर्टेड है, बट बोलना नहीं चाहिए. तुम्हारे साथ तो आई एम सॉरी, मुझे लगता नहीं तुम्हारे ज्यादा चांसेस हैं. और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि माया वाकई सबके सामने बोल देगी कि मैं राहुल से प्यार करती हूँ, रणबीर से शादी नहीं करूंगी, तो भी तुम दोनों की शादी नहीं होगी. क्योंकि उसकी फैमिली अब इतना तमाशा होने के बाद नहीं चाहेगी ना कि समाज के सामने उनका नाम खराब हो, बेइज्जती हो, तो वो भी तुम लोगों की शादी होने नहीं देगी राहुल. और अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम माया से खुद पूछ लो, बता दो उसे. माया, क्या ये जो बोल रहे हो सच है? कौन हो तुम? मुझे नहीं जानती. हाँ, मैं तुम्हें नहीं जानती. माया, अगर तुमने अब ये बोल ही दिया ना कि मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, तो मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ. मैं वो हूँ जिसने तुमसे प्यार किया, जिसने तुम्हारे बड़े पापा के गुंडों से मार खाई है. मैं वो हूँ जिसके इनोसेंट फादर को तुम्हारे पापा ने स्कैम करके जेल में डाल दिया था. मैं वो हूँ, मैंने अपनी बहन को ठीक ठाक होते भी पागल खाने जाते हुए देखा है. मैं वो हूँ जिसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी तुमसे प्यार करने के चक्कर में. माया, तुमने क्या बोला था मुझे? कि मैं रणबीर से शादी करूंगी, उसको डाइवोर्स दूंगी और जो पैसा आएगा उससे हम दोनों अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे.
तू मुझे ये बोल रही है कि यार मैं तुझे नहीं जानती, इज अ जोक। आराम से। मैं ठीक हूँ, डॉक्टर ने बोला ना। अरे कौन सा डॉक्टर, कोई डॉक्टर डॉक्टर नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा डॉक्टर ना मैं ही हूँ। तुम्हें कब ठीक आएगी, कब जाएगी, कब तुम्हारा सर दर्द ठीक होगा सब मुझे पता है, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई जान नहीं सकता। ये लो पकड़ो अपना आप मेरे। अच्छा तो फिर अब रॉकस्टार की जगह डॉक्टर क्यों नहीं बन गया? कोशिश की थी मैंने, किसी ने पीएचडी नहीं दी ना इसलिए गिटार बजाने लग गया। ऐसे एक बात कहनी थी तुमसे, अगर परमिशन हो तो। मेरे डैड, आप मुझसे परमिशन क्यों मांग रहे हो? एक बात है मेरे अंदर जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। देखो मैं तुम्हारी भाई, वो मैंने मीरा को दिया के एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया, बताती तो परेशान हो जाती। बेस्ट किया तुमने, बहुत अच्छा किया, परेशान हो दिमाग खा जाती मेरा। हां सो व्यवस है, आप बोल रहे थे कि आप मेरी बहुत हां हां मैं तुम्हारी परवाह दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करता। तुम जो हो ना, तुम यहां हो, और जो यहां होते हैं उनके लिए बातों का कोई मतलब नहीं होता, उनके लिए सिर्फ फीलिंग्स मायने रखती है। क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक सेकंड। डैड। अरे चॉकलेट जैसी गोली है, पता भी नहीं चलेगा। मुंह खोलो। ये वाली भी है। अभी लोगी या बाद में? बस ना डैड, नहीं थे ये बाद में। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक्स। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? You feel that, right? डैड ऐसा नहीं है, वो You know my temper, right? मुझे बस वो गुस्सा आ जाता है ना, तो फिर मैं कभी भी। देखो गुस्सा आना भी अच्छी बात है, गुस्सा मतलब गुस्सा भी आता है ना जब प्यार होता है। Dad, देखो ये फर्क होता है माँ और बाप के बीच में, माँ का प्यार जो होता है ना वो बोल देती है, और जो बाप होता है वो बोलता नहीं, वो दिख जाता है इन द थिंग्स ही डज। जैसे कि मैं तुम्हें मनमानी करने देता हूँ, तुम्हें डांटता हूँ, तुम्हें लेकर डरता भी हूँ, ये सब प्यार नहीं तो और क्या है? अगर इस सब के बाद भी तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता ना तो दुनिया का कोई बाप अपनी बेटी से प्यार नहीं करता, ठीक है? हट प्लीज, आप मुझे रुलाएंगे। तुम जो हो ना, तुम मेरी लाइफ हो, अगर मैं अपनी लाइफ से प्यार नहीं करूंगा तो कैसे करूंगा? हाँ एक, एक, एक वक्त था जब जिंदगी से मन उठ गया था मेरा, मैं ही जीना चाहता था मैं, लेकिन तुम मेरी जीने की वजह बनी। नहीं समझ आना, जो समझ आ जाए वो प्यार कैसा। कभी यकीन नहीं आ रहा ना तो कभी भी दीवार पे एक जोर से मुक्का मार देना, देखना मेरा सामने से फोन आएगा तुम्हें, और मैं तुमसे कहूंगा कि मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। डैड वैसे तो आप कह दो कि आप मेरे आंसू नहीं देख सकते, लेकिन आप ही मुझे रुला रहे हो। शुरुआत किसने की थी? हाँ अस्पताल में मैंने शुरुआत की थी ना मुझे रुलाकर। रोना क्या है अभी? I'm really sorry. Wait. And I love you. We all love you. अरे आप देख क्या रहे हैं? आपकी ड्यूटी है सबके सामने बंदूक, आप कर क्या रहे हैं? माया, ये जो हमारा अधूरा प्यार है ना, इसको मैं सबके सामने अब पूरा करूंगा। मैं सबको बताऊंगा कि हम कब, कहां, कैसे और कितनी बार मिले हैं। ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पर अब फर्क पड़ता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो माया, अगर तुमसे मेरा ये दर्द नहीं देखा जा रहा ना तो ये दर्द खत्म कर दो। सबको बता दो कि हम दोनों शादी करना चाहती हैं, बोल दो सबको। हाँ, मैं सबको बताऊंगी, मैं सबको बता दूंगी। आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देख लिया अपनी माया का इनोसेंट चेहरा, देख लिया? बोलिए ना, कुछ बोल क्यों नहीं रहे आप सब, इतना चुप शांत। आपको तो बहुत शौक है ताली बजा के बातें करने का, तो करिए। अब मैं बोलूंगा और आप सब सुनेंगे। ये शादी मुझे नहीं करनी।
इंस्पेक्टर साहब, अब तो बाकायदा गोली चली है। गिरफ्तार नहीं करोगे महाशय को? ये खड़े यहाँ पगड़ी वाले। इस दो कौड़ी के लड़के चक्कर में आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? बस बहुत हो गया आपका, बहुत बोल लिया आप लोगों ने, अब बोलूंगी तो मैं। इंस्पेक्टर, मेरे ताऊजी और मेरे पापा ने रणबीर से शादी करने के लिए मुझे फोर्स किया है। आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, स्टेटमेंट मैं दूंगी। चलो, अब मुझे अरेस्ट करेंगे? आप जानते किससे बात कर रहे हैं? आप जो भी हो, लेकिन कानून से बढ़कर नहीं हो। ले चलो।